ट्रिनिटी छात्रों द्वारा चिड़ियाघर पर नुक्कड़ नाटक कर प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई। इंदौर चिड़ियाघर प्रमुख उत्तम यादव को ज्ञापन सौंपा गया। वेटरनिटी छात्र पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद में इंदौर चिड़ियाघर पहुंचे और साथ ही यहां पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार गाय विदेशी है मगर पशु चिकित्सक बेरोजगार घूम रहे हैं। छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले वर्ष हुई पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 7,266 पशु चिकित्सक की आवश्यकता है मगर प्रदेश में कुल पशु चिकित्सक की संख्या 1200 है। इसके बावजूद सरकार निजी वेटरनिटी कॉलेजों को मान्यता देने की तैयारी में है, जिससे बेरोजगार पशु चिकित्सक की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। ये प्रदर्शन वेटरनरी कॉलेज के समस्त छात्रों द्वारा किया जा रहा है। आज हम यहाँ 300 से अधिक की संख्या में सभी छात्र एकत्रित हुए और हमारी मांग सोए हुए प्रशासन से है, कमलनाथ सरकार से है, जिन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए निजी कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। आज वर्तमान में हमारे यहाँ 1200 से अधिक वेटरनरी के पास आउट छात्र सरकारी कॉलेजों से बेरोजगार हैं। उनको रोजगार के कोई नए नियुक्तियाँ नहीं निकाली गई हैं और साथ में प्राइवेट कॉलेज और खोल देंगे तो और छात्र बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि जो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे वेटनरी में मेहनत करते हैं, पशुओं का इलाज करते हैं, उनका मानदेय बहुत कम है, जिसको और कॉलेजों की तरह तुलनात्मक रूप से बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपये किया जाए। मध्य प्रदेश की जो स्वीकृत पदों की संख्या 1671 है, जानवरों की संख्या चूँकि 4 करोड़ है और सरकार का एक निर्देश है कि 5,000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक होना चाहिए, तो उसको देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाकर 7,000 की जाए। ये हमारा वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट थे ये, और कुछ इनकी मांगे थी जो डायरेक्टर साहब तक पहुंचाने का उनका प्रयास था, क्योंकि मैं भी उसी डिपार्टमेंट से हूं और बहुत सारी मांगे जो थी उसमें से 4 मांगे ऐसी जो जायज़ थी जिन्होंने उन्हें ज्ञापन के रूप में दिया है। आपको कौन सी मांगे जायज़ लग रही हैं और कौन सी नाजायज़? नहीं देखिए, एक तो वेटरनरी कॉलेज जो खुलने जा रहे हैं, अभी जो ऑलरेडी फील्ड में स्टूडेंट है जिनको अभी जॉब की थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, अभी उनको जॉब मिलानी है और नए वेटरनरी कॉलेज खुलेंगे तो थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वैकेंसी खुलने में उतने थोड़ा सा समय लग रहा, तो हो सकता है ये क्राइसिस हो सकता आगे चल के। और स्टाइफंड को लेके उनकी डिमांड थी, जो कि स्टाइफंड का काफ़ी समय से बढ़ाने की जो डिमांड जो काफ़ी जायज़ है ये दोनों मांगे।